नमस्कार आज हम एन कक्षा 12 रसायन भाग एक के छठे पाठ तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का अध्ययन करेंगे आज के पाठ में हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार उष्मागति के सिद्धांत हमें यह समझाने में सहायक हैं कि धातु ऑक्साइड से धातु के निष्कर्षण में कुछ ही अपचायक एवं विशिष्ट न्यूनतम ताप क्यों उपयुक्त है आज की कक्षा में हम यह पढ़ेंगे धातु किस प्रवस्था में पाया जाता है धातुकर्म का प्रक्रम किस प्रकार का होना चाहिए अयस्क क्या है अप क्या है विधियां जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग मैग्नेटिक सेपरेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे सांद्रण के बाद धातु का किस प्रकार प्रथक्करण किया जाता है भर्जन क्या है निस्तापन क्या है और ऑक्साइड से हम धातु का अपचयन देखेंगे भूपरपट्टी में कुछ तत्व जैसे कार्बन सल्फर सोना तथा गैसें मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं जबकि अन्य तत्व संयुक्त अवस्था में मिलते हैं इस प्रकार हमने देखा धातु संयुक्त रूप में भी हो सकती है और मुक्त रूप में जैसे सोना और कुछ धातुएं मुक्त रूप में जो कम क्रियाशील हैं वो मुक्त रूप में और जो क्रियाशील धातुएं होती हैं, वो संयुक्त अवस्था में मिलती हैं। एक तत्व के संयुक्त अवस्था से निष्कर्षण तथा में रसायन के कई सिद्धांत निहित होते हैं। एक विशेष तत्व विविध यौगिकों के रूप में मिल सकता है धातुकर्म तथा पृथक का प्रक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि यह रासायनिक रूप से संभव हो तथा आर्थिक रूप से लाभदायक हो अर्थात हम केमिकल रिएक्शन में देखते हैं जिनका डेल्टा जी नेगेटिव हो वो आसानी से रासायनिक रूप से संभव अभिक्रियाएं हैं और आर्थिक रूप से लाभदायक मतलब हम धातु कर्म कर रहे हैं और अगर लागत ही बहुत ज्यादा लग जाए तो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा इस प्रकार हमें वह प्रक्रम चुनना चाहिए जिसमें कम लागत आए और धातु का निष्कर्षण आसानी से हो पाए और उस धातु से हमें अधिक लाभ प्राप्त हो तो रासायनिक रूप से संभव और आर्थिक रूप से लाभदायक प्रक्रम चुना जाता है धातुओं के सभी निष्कर्षण प्रक्रमों के कुछ सामान्य सिद्धांत समान हैं। क्या है बहुत से खनिजों में जिनमें धातु पाई जाती है केवल कुछ ही धातु प्राप्त करने के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होते हैं ऐसे खनिजों को अयस्क कहते हैं जिन खनिजों से हम धातु प्राप्त करेंगे केवल उन्हें ही अयस्क कहा जाएगा अपयस्क अयस्क सामान्यतः मृदा तथा अवांछित पदार्थों द्वारा संदूषित होता है जिन्हें अपअय या गैंग कहा जाता है अयस्कों से धातु के पृथककरण तथा निष्कर्षण के लिए मुख्यतः निम्नलिखित पद हैं। इसमें देखें अयस्क का सांद्रण पहला पद सांद्रण के बाद सांद्रित अयस्क से तत्व का पृथककरण और आखिर में प्राप्त हुई धातु का शुद्धिकरण इस प्रकार किसी भी निष्कर्षण के लिए ये तीन मुख्य पद हैं अयस्कों से धातु पृथक्करण में प्रयुक्त होने वाली संपूर्ण वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है धातुओं की उपलब्धता धातुओं में एल्युमिनियम की बाहुल्यता अधिकतम है यह भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तीसरा है लगभग 8.3 परसेंट भार में यह अब्रक तथा मृतिका सहित अनेक आग्नेय खनिजों का प्रमुख घटक है बहुत से रत्न प्रस्तर एल टू थ्री एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अशुद्ध रूप हैं, जैसे रूबी में क्रोमियम की अशुद्धि होती है नीलम में कोबाल्ट की अशुद्धि होती है भूपरपट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाली दूसरी धातु लोहा आयरन है यह विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है एवं इनके विभिन्न उपयोग इसे एक महत्वपूर्ण तत्व बनाते हैं जैसे जैविक तंत्रों में भी आवश्यक तत्वों में से एक है हम जानते हैं हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो हीमोग्लोबिन भी आयरन से बना हुआ यौगिक है अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के मुख्य अयस्क एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क हैं बॉक्साइट आयरन के मुख्य अयस्क हैं हेमेटाइट मैग्नेटाइट सिड्राइट आयरन पायराइट इसमें टेबल में से इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है आयरन के अयस्कों के नाम बताइए या आयरन के ऑक्साइड अयस्क के नाम बताइए यदि ऑक्साइड अयस्क पूछते हैं तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट कार्बोनेट अयस्क पूछते हैं तो सिडराइट FeCO3, और सल्फाइड पूछते हैं तो आयरन पायराइट के रूप में जोस्क कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड है सीयू सीओ थ्री सी यू ओ एच होल्ड क्यूपराइट सीयू टू ओ सल्फाइड अयस्क पूछा जाता है कॉपर ग्लांस सीयू टू एस इसी तरह जिंक के जिंक ब्लेंज जिसे स्वेलराइट जेडेनस कैलमाइन जिंक कार्बोनेट और जिंकाइट जेडेनो ऑक्साइड जिंकाइट। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए बॉक्साइड का चयन किया जाता है लोहे के लिए प्राय आयरन ऑक्साइड अयस्क लिए जाते हैं जो कि प्रचुरता में उपलब्ध हो तथा प्रदूषित गैसें न बनाते हों जैसे कि आयरन पायराइड द्वारा SO2 बनती है हम ऑक्साइड अयस्क क्यों लेना चाहते हैं क्योंकि एक तो उनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता दूसरा उनसे किसी प्रकार की दूषित गैस SO2 वगैरह नहीं बनती और तीसरी बात वो अपचयन में भी आसान है सांद्रण की क्रिया करने से पहले अयस्कों को श्रेणीकृत किया जाता है और उचित आकार में तोड़ा जाता है अवांछित पदार्थ जैसे रेत क्ले आदि का अयस्कों से निष्कासन का प्रक्रम अयस्क सांद्रण प्रसाधन अथवा सज्जीकरण कहलाता है इसमें कई पद सम्मिलित होते हैं और इन पदों का चयन उपस्थित धातु के यौगिक एवं अपायस्क गैंग के भौतिक गुणों में अंतर पर निर्भर करता है हम सांद्रण की कौन सी विधि काम में लेंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा जो धातु का यौगिक हमने लिया है और उसके साथ अपायस्क जो है उनके किन भौतिक गुणों में अंतर है जैसे यदि उनकी डेंसिटी में अंतर है तो हाइड्रोलिक वॉशिंग ले लेंगे मान लीजिए मैग्नेटिक गुण में अंतर है तो मैग्नेटिक सेपरेशन से कर पाएंगे तो इस तरह से हम कौन सी विधि लेंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि धातु यौगिक और अपय के किन गुणों में अंतर है धातु का प्रकार उपलब्ध सुविधाओं तथा पर्यावरणीय कारकों का भी ध्यान रखा जाता है अयस्कों का सांद्रण मुख्यतः तो इन चार विधियों द्वारा होता है द्रवीय धावन हाइड्रोलिक वॉशिंग चुंबकीय पृथककरण मैग्नेटिक सेपरेशन फेन प्लवन विधि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड और निक्षालन लीचिंग। धावन यह विधि अयस्क तथा गैंग कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है यदि अयस्क तथा गैंग के कण में घनत्व का अंत सांद्रण की पहली विधि है द्रवीय धावन यह विधि अयस्क तथा गैंग कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है यदि अयस्क और गैंग के कण में घनत्वों का अंतर हो तो हम यह विधि काम में ले सकते हैं यह गुरुत्वीय पृथ्करण का एक प्रकार है इस प्रकार के प्रक्रम में चूर्णित अयस्क को ऊपर की ओर बहती हुई जल की तेज धारा से धोया जाता है जिसके कारण हल्के गैंग के कण जल के साथ बहकर निकल जाते हैं तथा भारी अयस्क के कण रह जाते हैं इस तरह से हमने अयस्क से गैंग को पृथक कर लिया और सांद्रण कर लिया दूसरी विधि है चुंबकीय पृथक यह विधि अयस्क के घटकों में चुंबकीय गुणों की भिन्नता पर आधारित है यदि अयस्क या गैंग दोनों में से एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है तब इस प्रकार से पृथककरण किया जाता है जैसे लौह अयस्कों के उदाहरण में हम देखते हैं कि लौह चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है और गैंग नहीं हो सकता तो लौह अयस्कों को चुंबकीय पृथककरण द्वारा सांद्रित किया जाता है चूर्णित अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है जो चुंबकीय रोलर पर लगा होता है यहां देखें ये पट्टा है यहाँ हम चूर्णित अयस्क डाल रहे हैं और यहाँ ये चुंबकीय रोलर है जो अयस्क जो कि चुंबकीय होने के कारण इस चुंबकीय रोलर की तरफ गिरेगी इस प्रकार हमें चुंबकीय कण यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और अचुंबकीय कण दूर जाके गिर रहे हैं इस तरह से लौह अयस्क का सांद्रण हो जाएगा तीसरी विधि है फेन प्लवन विधि यह विधि सल्फाइड अयस्कों को गैंग से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है इस विधि में चूर्णित अयस्क का पानी के साथ निलंबन बना लिया जाता है इसमें संग्राही तथा फेन मिला देते हैं फेन स्थायीकारी जैसे क्रिसोल एनिलीन ये फेन को स्थायित्व तो प्रदान करते हैं इस चित्र में देख रहे हैं ये सस्पेंशन लिया है हमने किसी सल्फाइड और का और इसमें एक घुरुनी शेपनी ये लगी हुई है जो कि रोटेट करती है और ऊपर एक फेन डेवलप हो जाता है इसमें हम एक फेन स्थायीकारी पदार्थ जैसे एनिलीन लेते हैं जो फेन को करत करते हैं और यहां से देखें अयस्क की लुगदी और तेल यहाँ से प्रभावित करते हैं संग्राही जैसे चीड़ का तेल वसा अम्ल जेंथेट इत्यादि अयस्क कणों को अक्लेदनीयता नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं आयस्क के कण तेल से जबकि गैंग के कण जल से भीग जाते हैं इस प्रकार हमने देखा कि आयस्क तो तेल से भीगने के कारण हल्की होके फोम में ऊपर रहेगी और गैंग के कण जल से भीगने के कारण भारी होके नीचे बैठ जाएंगे घूर्णित शेपनी मिश्रण को विलोड़ित करती है एवं इसमें वायु प्रवाहित करती है परिणाम स्वरूप फेन बनता है जिसमें अयस्क के कण एकत्र हो जाते हैं ये ठीक उसी तरह से है जैसे अगर हम दही को मतते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है उसी तरह से यहाँ पर हमने जल के अंदर सल्फाइड अयस्क ली और तेल डाल के उस घूर्णी के साथ घुमाने पे और वायु प्रवाहित करने के साथ फोम उत्पन्न किया जो कि ऊपर ओर को अयस्क के कणों को ऊपर ले आता है और गैंग के कणों को नीचे ले जाता है फेन हल्का होता है जिसे मत कर निकाल लिया जाता है इससे अयस्क के कणों को अलग करने के लिए सुखा लिया जाता है यहाँ देखें ये ऊपर की तरफ फेन है जिसमें अयस्क के कण हैं और गैंग के कण पानी से भीगने के कारण भारी हो जाते हैं और वो ऊपर नहीं आ पाते इस तरह से सल्फाइड अयस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है कभी कभी तेल तथा जल के अनुपात को संयोजित करके अथवा अवनमनकों को उपयोग में लाकर सल्फाइड अयस्कों को पृथक करना संभव होता है मान लीजिए हमारे पास दो प्रकार की सल्फाइड अयस्कें हैं हम चाहते हैं कि एक ही सल्फाइड अयस्क हमारे फेन में आए तो उसके लिए हम दो चीजें कर सकते हैं या तो हम तेल और जल के अनुपात को संयोजित करें या उसके अंदर अमनमक डालें उदाहरण के लिए एक अयस्क में जिंक सल्फाइड तथा तो लेड सल्फाइड को पृथक करने के लिए सोडियम साइनाइड प्रयोग किया जाता है यह चयनित रूप से जिंक सल्फाइड को फेन में आने से रोकता है परंतु लेड सल्फाइड को फेन में आने देता है तो इस तरह से हमने देखा कि जो डिप्रेसेंट सोडियम साइनाइड हमने डाला वो जिंक सल्फाइड को फेन में नहीं आने दे रहा और केवल लेड सल्फाइड हमें प्राप्त हो रहा है तो इस प्रकार दो प्रकार के सल्फाइड से भी हम डिप्रेसेंट यूज करके या ऑयल और वाटर के रेशियो को मेंटेन करके सल्फाइड को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं अब तक हमने देखा धातु किन प्रवस्थाओं में पाई जाती है मुक्त रूप में या संयुक्त रूप में अयस्क क्या है वे खनिज जिनसे धातु निष्कर्षण का हम काम में लेते हैं जो धातु के निष्कर्षण में स्रोत का काम करें वे अयस्क हैं। और अन्य मृदा या अन्य अवांछित पदार्थ अपयस्क धातु कर्म का प्रक्रम कैसा होना चाहिए रासायनिक रूप से संभव होना चाहिए और हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभदायक भी होना चाहिए धातु को सांद्रित करने के लिए हमने तीन विधियां देखी अब तक उनमें से हाइड्रोलिक वॉशिंग मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड हम सल्फाइड ओर्स के लिए काम में लेते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन वहाँ काम में लेते हैं जहाँ अयस्क या गैंग में से कोई एक चीज उसमें मैग्नेटिक गुण होना चाहिए और हाइड्रोलिक वॉशिंग कहाँ काम में लिया जहाँ डेंसिटी का फर्क हो अयस्क या ओर में डेंसिटी के फर्क होने पे हाइड्रोलिक वॉशिंग अब अगली विधि देखते हैं निक्षालन। यदि अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलय हो तो निक्षालन का उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए बॉक्साइड से एल्यूमिना का निक्षालन एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइड में अधिकांशतः सिलिकॉन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड तथा टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियां होती हैं 473 से 523 कैल्विन ताप तथा 35 से 36 बार दाब पर चूर्णित अयस्क को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन से पाचित्र डाइजेस्ट करके सांद्रित किया जाता है इस प्रकार Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में एवं सिलिकॉन ऑक्साइड सोडियम सिलिकेट के रूप में निष्कालित हो जाते हैं तथा अशुद्धियां शेष रह जाती हैं इसमें हमने देखा बॉक्साइड से किस प्रकार ए एल सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में हो रहा है और एस और टू सोडियम सिलिकेट के रूप में रिएक्ट करके मिल रहा है ये रिएक्शन देखें जहां ए एल का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पे हमें सोडियम एल्यूमिनेट एन ए एल ओ एच होल फोर इस प्रकार मिल रहा है विलियन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर एल्यूमिनेट को उदासीन कर लिया जाता है एवं जल योजित एल टू ओ थ्री अवक्षेपित हो जाता है इस अवस्था पर विलियन को ताजा बने हुए जल योजित एल टू ओ थ्री के नमूने से बीजा रोपित किया जाता है जो कि अवक्षेपण को प्रेरित करता है सीओ टू हमने क्यों पास किया उदासीन करने के लिए और एल टू ओ थ्री का नमूना इसलिए डाला जिससे कि अवक्षेप और आसानी से बन पाए इस रिएक्शन में दिखाया सोडियम एल्यूमिनेट एन एल ओ एच होल फोर को सीओ टू के साथ उदासीन करने पे हमें ए एल टू ओ थ्री एक्स एच टू और एन एच सी ओ थ्री प्राप्त हो रहा है सोडियम सिलिकेट विलयन में शेष रह जाता है जो ए एल टू ओ थ्री एक्स एच टू मिला है ये अवक्षेप के रूप में है जबकि सोडियम सिलिकेट विलयित है वो विलयन में ही रह जाएगा तथा जल योजित एल्यूमिना को छान कर सुखा कर तथा गर्म करके पुनः शुद्ध Al2O3 एल टू ओ थ्री प्राप्त कर लिया जाता है जो ये अवक्षेप आया ए एल टू ओ थ्री एक्स एच टू ओ इसको हम 1470 केल्विन में जब गर्म करेंगे तो हमें Al2O3 एल टू ओ थ्री प्राप्त होगा ये शुद्ध Al2O3 एल टू ओ थ्री प्राप्त हो गया इस तरह से हमने देखा किस तरह से हमने बॉक्साइट के ओर से सिलिका को हटा दिया और शुद्ध ए एल टू थ्री प्राप्त कर लिया अन्य उदाहरण अगर हम निक्षालन के देखते हैं तो चांदी तथा सोने के धातु कर्म में धातुओं का निक्षालन वायु की उपस्थिति में सोडियम साइनाइड अथवा पोटेशियम साइनाइड के तनु विलयन द्वारा किया जाता है जिसमें से धातु बाद में प्रतिस्थापन द्वारा प्राप्त कर ली जाती है इन अभिक्रियाओं में देखें ये जो मेटल एम लिखा है ये सिल्वर या गोल्ड हो सकता है इसको हमने साइनाइड जो कि सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के द्वारा ट्रीट किया और वाटर के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो हमें ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है एम सी एन होल्ड नेगेटिव चार्ज प्लस फोर ओ एच नेगेटिव अब ये जो कॉम्प्लेक्स आया डाई साइनो कॉम्प्लेक्स मेटल का आया है इसमें हमें ये एम अलग करना है तो जिंक के द्वारा रिएक्शन कराने पे ये मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा और हमें ये कॉम्प्लेक्स मिल गया टेट्रा साइनो जिंकेट सेकेंड जेड एन सी एन होल फोर टू नेगेटिव और ये मेटल इस तरह से डिस्प्लेस हो गया तो इस तरह से पहले हमने मेटल को साइनाइड के द्वारा ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया इस कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन करवाई जिंक के साथ और हमें जिंक का कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो गया और मेटल हमें सांद्रित अवस्था में प्राप्त हो गया इस तरह से निक्षालन से हम ए या Au को प्राप्त कर सकते हैं सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण अयस्क का सांद्रण हो गया, अब दूसरा स्टेप है धातु का निष्कर्षण सांद्रित अयस्क से धातुओं का पृथककरण दो मुख्य पदों में होता है ऑक्साइड में परिवर्तन तथा ऑक्साइड का धातु में अपचयन पहला स्टेप है ऑक्साइड बनाना और दूसरा स्टेप है ऑक्साइड से धातु बनाना ऑक्साइड में परिवर्तन ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए पहली विधि हम ले सकते हैं निस्तापन निस्तापन में गर्म करने की आवश्यकता होती है जिससे वाष्पशील पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड शेष रह जाता है ये देखें ये निस्तापन की तीन अभिक्रियाएं दिखाई हैं जहां हमने आयरन के ऑक्साइड को हीट किया और इससे ये एक्स एच टू अलग सेपरेट कर लिया ये कैलोमाइन जेडन सी जिंक की ओर है जिसमें हीट करने पे जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया और सी ओ टू अलग निकल गई इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट से भी निस्तापन के द्वारा हमने ऑक्साइड बना लिए और सी ओ टू अलग हो गई इस प्रकार देख रहे हैं वाष्पशील गैसें सी ओ टू एच टू वगैरह अलग हो जाती हैं और मेटल जो है मेटल ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है तो इस तरह से कैल्सिनेशन के द्वारा हम इन्हें हीट करके ऑक्साइड और कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरा तरीका ऑक्साइड बनाने का भर्जन रोस्टिंग भर्जन में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक से नीचे के तापमान पर एक भट्टी में गर्म किया जाता है आपने देखा दोनों में फर्क है भर्जन में हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं जबकि निस्तापन में केवल हमने उसे हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए सल्फाइड आयस के भर्जन की कुछ अभिक्रियाएं यहाँ दी है जिंक सल्फाइड का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है साथ में एसो टू गैस बन रही है इसी तरह से लेड सल्फाइड गैलिना लेड की ओर है लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एसो गैस प्राप्त हो रही है इसी तरह से कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड और एसओ टू गैस प्राप्त हो रही है तो इस तरह से हमने देखा कि सांद्रित आयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए निस्तापन जहाँ केवल हीटिंग के द्वारा या भर्जन जहाँ वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर लिया कॉपर के सल्फाइड अयस्कों को परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं यदि अयस्क में लोहा हो तो गर्म करने से पहले इसमें सिलिका मिलाते हैं आयरन ऑक्साइड आयरन सिलिकेट बनाकर धातु मल के रूप में तथा तांबा कॉपर मेट के रूप में प्राप्त होता है कॉपर के सल्फाइड ओर को जब हम परावर्तनी भट्टी में गर्म करेंगे तो हमें कॉपर तो कॉपर मेट के रूप में मिलेगा और यदि उसमें आयरन की इंप्योरिटी है तो वो आयरन सिलिकेट के रूप में प्राप्त होगी और कॉपर मेट क्या है कॉपर सल्फाइड प्लस एफईएस सीयू टू एस तथा एफ ये देखें परावर्तनी भट्टी जिसमें इस जगह पे यहां पर हम ओर डालते हैं घान हॉपर हैंगर है इस भट्टी में हमें कॉपर कॉपर मेट के रूप में प्राप्त होता है और सीयूएस और एफईएस के रूप में यहां देखें आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी सिलिका के साथ धातु मल के रूप में आयरन सिलिकेट बना देती है और यहाँ टू गैस सभी अभिक्रियाओं में बन रही थी जो कि के के उत्पादन लिए प्रयुक्त की जाती है हम धातु कर्म के प्रक्रम में जो बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनका भी अगर हम उपयोग करते जाएं, तो हमारे लिए वह प्रक्रम लाभकारी सिद्ध होंगे उसमें जो खर्चा लग रहा है उसको हम कहीं मीट आउट कर पाएंगे इस एसओ को जो हम एच बनाने में अगर प्रयोग में ले लेले H2SO4 बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है काफी उपयोगी केमिकल है अब देखते हैं ऑक्साइड का धातु में अपचयन धातु ऑक्साइड के अपचयन में इसे किसी दूसरे पदार्थ के साथ गर्म किया जाता है कार्बन या कार्बन मोनोक्साइड या अन्य धातु जो अपचायक का कार्य करता है अपचायक जैसे कार्बन धातु ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं यहां देखें इस रिएक्शन में हमने मेटल का ऑक्साइड दिखाया है एम एक्स ओ वाई और इसको कार्बन के साथ रिड्यूस किया है वाई मोल्स ऑफ कार्बन लेके वाई मोल्स ऑफ CO बन गया इसने मेटल के ऑक्सीजन को कार्बन ने ले लिया और कार्बन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और हमें मेटल प्राप्त हो गया है तो इस तरह से यह धातु हमें प्राप्त हो रही है अपचयन के द्वारा कुछ धातु ऑक्साइड आसानी से अपचैनित होते हैं अर्थात उनमें कम तापमान चाहिए जबकि दूसरों को अपचित करना कठिन होता है उनके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है किसी स्थिति में इन्हें गर्म करने की आवश्यकता होती है तापीय अपचयन में आवश्यक तापक्रम परिवर्तन को समझने तथा इस प्रागुक्ति के लिए कि कौन सा तत्व दिए गए ऑक्साइड एम एक्स ओ वाई के अपचयन के लिए अपचाई कर्मक के रूप में उपयुक्त होगा यह गिब्स ऊर्जा से निर्णय किया जाता है हम आगे के कक्षा में देखेंगे किस प्रकार मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा अपचायक काम में लेना है इसके लिए एलिंगम डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे किस ऑक्साइड के लिए कौन सा अपचायक सूटेबल होगा इस तरह से हमने अभी देखा सांद्रण की चौथी अभिक्रिया निक्षालन जिसके द्वारा हम पदार्थ को सांद्रित कर रहे हैं अयस्क को सांद्रित कर रहे हैं यहाँ हमने सीखा कि बॉक्साइड से किस प्रकार ए प्राप्त किया उसके बाद हमने सांद्रण के बाद सांद्रित अयस्क से धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जो कि निस्तापन या भर्जन के द्वारा कन्वर्ट की जा सकती है उसके बाद ऑक्साइड बनने के बाद हम उसे अपचयित करके धातु में परिवर्तित करेंगे अगली कक्षा में हम देखेंगे किस ऑक्साइड के लिए कौन सा धातु कौन सा पदार्थ उपयुक्त रहेगा तब तक के लिए नमस्कार